कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस, भाजपा नेता का दावा, प्रज्वल के वीडियो डिप्टी सीएम ने वायरल किए। कुमार स्वामी को फंसाने के लिए 100 करोड़ का ऑफर था। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में भाजपा नेता देवराजे गौड़ा ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार समेत 4 मंत्रियों पर हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए हैं। मामले में गिरफ्तार देवराजे ने कहा कि डिप्टी सीएम शिव कुमार, कृष्ण मंत्री चालुक राय स्वामी, राजस्व मंत्री कृष्णा गौड़ा और पंचायत राज्य मंत्री प्रियंका खड़गे पेन ड्राइव लीक करने की साजिश में शामिल हैं। देवराजे ने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुझे इस केस के जरिए पीएम भाजपा और जेडीएस नेता कुमार स्वामी की इमेज खराब करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे 100 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। देवराजे ने कहा, शिव कुमार ने मुझे कहा था कि कुमार स्वामी पर वीडियो वायरल करने के आरोप लगा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। मैंने ऑफर ठुकराया, इसीलिए मुझे ही फंसाया गया। भाजपा नेता देवराजे को यौन उत्पीड़न केस में 10 मई की देर रात को गिरफ्तार किया गया था। उनकी कस्टडी पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें हासन की जेल में शिफ्ट किया गया। देवराजे ने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ पोले नरसिंहपुर सीट से 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। देवराजे ने भाजपा के कर्नाटक अध्यक्ष का चिट्ठी लिखकर सचेत किया था कि हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कई महिलाओं का यौन शोषण किया है, ऐसे में उन्हें लोकसभा चुनाव में सपोर्ट ना करें। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर उनके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इसके बाद 26 अप्रैल को बेंगलुरु में पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव मिली। दावा किया गया कि पेन ड्राइव में 3000 से 5000 वीडियो हैं, जिसमें प्रज्वल को कई महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न करते देखा गया। महिलाओं के चेहरे भी ब्लर नहीं किए गए। देवराजे गौड़ा पर इन्हीं वीडियो को लीक करने का आरोप है। हालांकि इन आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया था। कर्नाटक सरकार की बनाई एसआईटी इसकी जांच कर रही है। एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों समेत 3 एफआईआर दर्ज की है। प्रज्वल फिलहाल फरार है और इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। जी, देवराजे गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को पत्र लिखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।